हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो आइए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये हमने लिया है कटहल और ये सारे मसाले और ये प्याज, अदरक, हरा धनिया और लहसुन। तो सबसे पहले हम लहसुन और प्याज और अदरक का पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। मैंने 3 चम्मच तेल लिया है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी का यही काम रहता है थोड़ा। ये हमने कटहल डाल दिया है और अब इसमें हम इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि वो थोड़ा कुरकुरा हो जाए। और मसाले में हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने कटहल में नमक डाल दिया है। तो ये पक रहा है। अब हमने इसमें लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दिया है और ये थोड़ा सा हम 10 मिनट तक भूंजेंगे। अब इसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। वो जो हल्दी, मिर्ची, धनिया और गरम मसाला लिया था उसको हम ऐड कर देंगे। अब इसको 15 मिनट तक मसाले को भूनेंगे। देखिए हमारा मसाला भुन रहा है। ये हमारे मसाले में ऑयल आ गया है ऊपर। ये 15 मिनट तक भुन चुका है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटहल जो हमने तल कर रखा था। देखिए फ्रेंड्स, कटहल को मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब हम इसको गलाने तक पकाएंगे। तब तक कटहल अच्छी तरह से नहीं गल जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। और मेरे चैनल पे आपको हर तरह की वीडियो देखने को मिलेगी, जैसे कि घर में जो भी काम होते हैं छोटे मोटे उनसे रिलेटेड भी। मेरा एक वीडियो को लेकर, एक चीज़ को लेकर मैंने चैनल नहीं बनाया। मैंने हर तरह की वीडियो डालूंगी इसमें, घर के छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े कामों तक। अब ये कटहल हो चुका है। अब इसमें हम करेंगे ऐड हरा धनिया। इसमें हरा धनिया डाल दिया है हमने, इसको मिक्स करके अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए मैं निकाल रही हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए थोड़ा वीडियो में मिस्टेक्स मिलेंगी आप लोगों को, तो प्लीज़ माफ़ करना उनको। और जिसको भी मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।